आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए पहले हम आलू को बॉईल कर लेंगे। तो ये आधा किलो के आसपास आलू लिया है मैंने, इसको हम डाल देंगे कुकर में। कुकर में आलू डालें, फिर एक गिलास पानी डाल देंगे, फिर ढक्कन को करेंगे बंद। आलू को मैंने चढ़ा दिया है और हम फ्लेम को रखेंगे मीडियम और 3 से 4 सीटी लगाएंगे। फिर चलते हैं आटा लगाने। हम ले लेते हैं 2 कटोरी आटा। हो गया, अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी को हम आटे में मिक्स कर देंगे। घी आटे में मिक्स हो गया है, तो ये 1 गिलास मैंने पानी लिया है। ये पानी थोड़ा सा गुनगुना है, हम इस आटे को गुनगुने पानी सानेंगे। तो इससे क्या होता है कि मेरा आटा एकदम सॉफ्ट और पराठे एकदम क्रिस्पी तैयार होंगे। तो चलिए हम आटा को तैयार कर लेते हैं। मैंने आटा लगा कर तैयार कर लिया है। आटा हम एकदम सॉफ्ट लगाएंगे। देखिए आलू को मैंने छील कर ले लिया है। अब हम इसे पोटैटो मैशर के मदद से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मैश करेंगे कि इसमें कोई भी टुकड़ा आलू का ना रहे। ऐसे करके सब आलू को हम मैश कर लेंगे। आलू हमारा मैश हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो हमने ये लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मरीच पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला के जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सौंफ, ये बारीक कटा हुआ 1 छोटा प्याज, चॉप किया हुआ लहसुन, ये ग्रेट किया हुआ अदरक, 2-3 हरी मिर्च, ये कटा हुआ धनिया। इसमें आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और ये स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हींग। अब हम आलू को मसाले के साथ मिक्स करके रख लेते हैं। ये मेरा स्टफ आलू अब तैयार है। अब हम चलते हैं लोई बनाने। कटोरी जैसा से मैंने शेप दे दिया है, अब इसमें हम डालेंगे आलू। इसमें हम आलू अच्छे से डालेंगे, जैसे आलू पराठे खाइए तो उसमें आलू रहेंगे तब अच्छे लगेंगे। तो ऐसे करते हम घुमा घुमा के इसको बंद कर देंगे। फिर सूखा आटा लगाएंगे। अब इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे गोल गोल घुमाते हुए। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। तो तवा मेरा पहले से गर्म है। उसी तरह हम दूसरा पराठा भी बेल कर तैयार कर लेंगे। पराठे को हम पलट देंगे, फिर लगा देंगे इस पे तेल। अब हम पलटे की मदद से तेल को ऐसे पूरे पराठे में घस लेंगे और इसको पलट देंगे।
अब हम इधर भी तेल लगा लेंगे। क्रॉस किनारों में ऐसे दबाते हुए हम इसे सेक लेंगे अच्छे से। दोनों तरफ से पराठे सिक गए हैं, अब इसे हम हटा देंगे और दूसरा पराठा भी इसी तरह सेक लेंगे। देखिए पराठे कैसे फूल गए हैं, क्रिस्पी भी हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया और कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है हमारा पराठा। देखिए पराठे के अंदर आलू कितने अच्छे से भरे हुए हैं। देखिए पराठे कितने अच्छे दिख रहे हैं। एक बार आप भी इस पराठे को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में भी बताइए कि आपको पराठे कैसे लगे। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।